देखिए जी, आज के व्लॉग में क्या क्या है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद जी। ये मेरा नाश्ता बन रहा है और इसमें मैंने बनाए हैं मूली के पराठे और साथ में चाय। बहुत मज़े का नाश्ता लगा। और किचन का काम समेटने के बाद मैंने अपनी कमीज़ की बाकी सिलाई की, और सिलाई करने के बाद ये गली में एक आया था बंदा चूज़े बेचने के लिए, तो ये दो चूज़े ले लिए मैंने। वैसे दिल जा रहा था तो, लेकिन इनको अभी मैंने घास पे बैठाया, धूप थी तो थोड़ी देर तो ये वैसे बैठे रहे। तो अब ये थोड़ा सा चुस्त हो गए और घास में ज़रा चोंच मार रहे हैं। और इसके बाद ये एक पौधा लिया था मेहंदी का, पौधा जो है वो गमले में है और गमले को यूँ साइडों से मिट्टी उखेड़ी जा रही है और इसको लगाने लगे हैं। ये देखें जी, ये मैं ज़रा चूज़े दिखा रही थी आपको, अब ये सैर सपाटा करना शुरू हो गए और ये बाकायदा खेल रहे हैं मेरे साथ, और जिस तरफ को मैं जाती हूँ उधर आते हैं। और अभी ये देख रहे हैं इधर नया काम हो रहा है तो इधर आ गए, और ये गमले में से निकाल के पौधा ज़मीन में लगा दिया है। और ये देखें साथ साथ में ये जो चूज़े हैं ये भी साथ साथ ही हैं, गमला साइड पर रखा। और ये देखें ये दूसरा इसके पीछे पीछे फटाफट आया है दौड़ लगा के, और इकट्ठे ही एक जगह पे होते हैं और मैं जिस तरफ जाती हूँ मेरे पीछे आ जाते हैं, और ये जिधर होते हैं उधर चले जाते हैं। मतलब ये पसंद करते हैं कि इंसानों के पास ही रहें। और पौधा भी मेरा लग चुका है। सुबह नाश्ते में चूँकि पराठे खाए थे तो इसलिए फिर दोपहर को हमने सिर्फ चाय वगैरह पी और साथ में कुछ हल्का फुल्का सा ले लिया। और उसके बाद ये शाम का खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खा लेंगे, तो उसके लिए मैंने कोफ्ते पड़े थे फ्रीज़र में वो भून लिए मसाला बना के, प्याज और लहसुन को भून लिया था अच्छी तरह और उसमें कोफ्ते डाल के भून लिया साथ। और अब इसमें खड़े मसाले डाल दिए, साथ में टमाटर और आलू डाल दिए। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी से भुन गई तो इसमें पानी डाल दिया है मैंने 2 गिलास, 1 गिलास चावल है। पानी पकने लग गया तो इसमें चावल शामिल कर दिए और इसको थोड़ी देर के लिए बगैर ढाँप पे पकाया। और बगैर ढाँप पे पकाने के बाद ये चावल तकरीबन हाफ कुक हो गए, तो इसमें मैंने रख दिया लीमू काट के और दम दे दिया इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। कोफ्ता पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बना था। और खाना खाया, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद चाय ली, और चाय पीने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फारग थी। तो आपसे कहना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चाय पीने के बाद मैंने अपने व्लॉग की एडिटिंग की, और एडिटिंग करने के बाद अब मैं सोने लगी थी। तो सोने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।